हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का ये खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर सिंपली पेपर पे अपनी स्लीव्स की कटिंग की हुई है। आज हम आपको इसमें एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पहले तो आपको नॉर्मली पेपर पर कटिंग कर लेनी होगी अपनी आस्तीन की। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें सेंटर लाइन एक बनानी होगी बीच सेंटर में। ये हमने अपनी सेंटर लाइन बना दी है। इसके बाद इस सेंटर लाइन से 3.5 इंच इधर मार्क और 3.5 इंच इधर मार्क हम लगाएंगे। ये हमने अपने मार्क लगा दिए हैं। अब हम इन मार्कों पर अपने नोचेस लगा देंगे छोटे छोटे। नोचेस लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे से ये सेंटर वाली लाइन पे 1.25 इंच पे एक मार्क लगाना है, मतलब कि 1+4 इंच पर। और लगाने के बाद में यहां से इस तरीके से आपको एक शेप देनी है, इस मार्क से टच करते हुए ऊपर तक गोलाई में। ये हमने मार्किंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों हम सेम मार्किंग पर कटिंग कर देंगे। ये वाला बेस्टिस है, इसको हम फेंक देते हैं। अब ये रहा पैटर्न। अब हम इसमें 1-1 इंच का मार्क लगाएंगे 3 इंच तक। सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब इसके बाद इस निशान से 1 इंच का मार्क हम इसी गोलाई में फिर लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे 1-1 इंच वाले निशान हुए कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये जो नोचिस लगाया, ये वाला नोचिस और एक ये वाला नोचिस, पहले हम इस वाले नोचिस को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ये तो हमारा सीधा है ही। ये हमने सीधा कर लिया है। और अब इसके बाद हम इस सेंटर लाइन से और इस वाली सेंटर लाइन से दोनों को कट कर देंगे और ऊपर हम 1/2 इंच जुड़ा हुआ छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से ये कटिंग कर दी है। अब हम लेंगे कपड़ा जिस पे हम अपनी खूबसूरत सी स्लीव बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा वो कपड़ा है जिस पे हम आज अपनी ये खूबसूरत सी स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। दोस्तों ये तो रहा हमारा प्लेन कपड़ा। अगर आप चाहें तो इस स्लीव डिज़ाइन को प्रिंटेड कपड़े पर भी बना सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ाइन का जो लुक है दोनों तरीके से बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। अब हम अपने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। और दोस्तों अगर आपको और भी इसी तरह के खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम अपनी आस्तीन को इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे, देखिए। और बिछाने के बाद में दोस्तों ये जो हमने अपने कट लगाए हैं पेपर के अंदर, इन कट को हम 1-1 इंच का फासला देंगे इस तरीके से, देखिए। यहां पर हम इसमें बीच में 1 इंच की गैपिंग इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में यहां पर अपनी एक पिन इधर और एक पिन इधर लगा देंगे। तो जिस तरह से हमने 1 इंच की गैपिंग इधर दी है, उसी तरह से सेम 1 इंच की गैपिंग इधर भी देंगे। और अब इसके बाद हम सेम कटिंग पेपर के अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसमें दोस्तों आपको कोई भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं देना है। यहां पर दोस्तों आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको सीधा यहां पर आके टच करना है अपने कपड़े को, देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी पिन निकाल देंगे और कपड़े को अलग कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो हमने नोचिस लगाया था, इस नोचिस को एक बार फिर से हम आस्तीन पेपर के ऊपर, पेपर को अपने आस्तीन के ऊपर रखेंगे और नोचिस को लगा देंगे। ये देखिए, एक इधर का नोचिस और एक सेंटर पॉइंट का नोचिस, ये दोनों नोचिस हम लगा देते हैं। और अब इसके बाद हम पेपर को हटा देते हैं। इस पर हम लिख देंगे दोस्तों 1 नंबर और इसको अभी अलग रख देते हैं। अब हम लेंगे अपना फिर से ये वाला पेपर। इस पेपर पे जो हमने अपनी 1 इंच की लाइन जो बनाई है सबसे पहले, इसको काट के अलग कर देंगे। अब तो ये हमने अपनी एक लाइन अलग कर दी है 1 इंच वाली। इसके बाद हम फिर से अपने कपड़े को बिछाएंगे और सेम तरीके से कपड़े की कटिंग कर लेंगे।
ये हमने अपना कपड़ा बिछा लिया है। इसके बाद पेपर रखेंगे और इसमें भी हम बीच में एक एक इंच का गैप सेट करते हुए आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने दूसरे वाले पैटर्न की भी कटिंग कर ली है। इस पर हम लिख देंगे 2 नंबर और इसको भी अलग रख देंगे, यहाँ पर आपको नोचिस नहीं लगाने हैं। अब हम इसकी पेपर फिर से लेंगे और इसकी 1 इंच वाली लाइन को कट कर अलग कर देंगे। ये हमने 1 इंच वाली लाइन को काट कर अलग कर दिया है और जैसे हमने अपने ये 2 पैटर्न काटे हैं उसी तरीके से 1-1 इंच की गैपिंग देते हुए सेम तीसरा वाला पैटर्न भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अपना तीसरा वाला पैटर्न भी कटिंग कर लिया है और इस पर हम लिख देंगे 3 नंबर। अब दोस्तों इस पेपर का कोई भी यूज नहीं है। अब हम अपनी तीसरी वाली आस्तीन पे 3 नंबर लिख देते हैं और लिखने के बाद दोस्तों ये हमारे देखिए 3 पैटर्न हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये देखिए ये हमारे 3 पैटर्न्स हैं और 3 पैटर्न्स की गोलाई पर हम यहाँ पर पीको कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सारे पैटर्न्स पर पीको कर ली है और अब इसके बाद हम आपको अपने पैटर्न्स को सेट करना बताएंगे। किस तरीके से आप अपने पैटर्न्स को सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद में एक बहुत ही खूबसूरत आपके सामने स्लीव्स बनकर तैयार होगी। तो पहले हम अपना 1 नंबर वाला पैटर्न लेते हैं और इस पर उल्टे सीधे का मार्क लगा लेते हैं। ऊपर की तरफ ये उल्टा है और नीचे की तरफ हमारा ये उल्टा है। अब हम सबसे पहले जिस पे हमने 1 नंबर लिखा था इस पैटर्न को इधर की साइड पर ऐसे करके पलट देंगे। तो देखिए उल्टा भाग हमारा अब नीचे चला गया है। अब हम लेंगे अपना दूसरा वाला पैटर्न। देखिए इसका भी हमारा उल्टा भाग ये है, इसको हम इस तरीके से करेंगे तो नीचे चला जाएगा। अब ये जो हमारा यहाँ पर कट लगा हुआ है इस कट से हम अपने इस वाले पैटर्न की नोक मिलाएंगे इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पर भी हमारा देखिए ये कट से नोक मिल गई है। तो हमारा उल्टा भाग नीचे की तरफ चला गया और अपनी आस्तीन जो है कुछ इस तरीके से सेट हो गई है। अब हम लेंगे अपना 2 नंबर वाला पैटर्न। इस पर भी हम पहले उल्टे सीधे का मार्क लगा लेंगे। अब हम इसको भी सेट करेंगे। तो पहले हम अपना ये 2 नंबर वाला पैटर्न जिसपे 2 नंबर लिखा है इसको यहाँ से मिलाकर रखेंगे, जो ये हमारी बाहर वाली साइड है देखिए। ये हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। इसके बाद अपना ये दूसरा वाला पैटर्न इसके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे। ये देखिए ये जो हमारी देख रहे हैं आप चोंच निकली है, ये पीको की वजह से अक्सर निकल जाती है। इसे आप काट के निकाल दें, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लेंगे अपना 3 नंबर वाला पैटर्न। इस पर भी हम अपना उल्टे सीधे का मार्क लगा लेंगे। इसमें भी हमने जिसमें 3 नंबर पहले लिख रखा है उसको इस तरीके से उठाएंगे और उठाने के बाद यहाँ पर इधर की साइड से मिलाते हुए सही तरीके से सेट कर देंगे, देखिए। और इसको भी इस तरीके से इसके ऊपर रखकर सेट कर देंगे। तो देखिए आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत स्लीव बन करके यहाँ पर तैयार हो गई है। अब हम जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन देख रहे हैं इसको कटिंग कर देंगे और यहां से हम अपनी स्टिचिंग शुरू करेंगे और करते हुए यहां तक इसकी खत्म करेंगे। और दोस्तों आपको अगर इसी तरीके के और भी कुछ खास डिजाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.rooffashionpoint.com पर विजिट जरूर करें, जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत सारे डिजाइन हमारे देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरीके के डिजाइन भी देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी बाजू जो है अटैच हो गई है एक दूसरे से पैटर्न में। अब हम आपको इसको चढ़ाना बताएंगे, किस तरीके से आप अपनी कुर्ती में इस आस्तीन को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी आस्तीन को कुर्ती में अटैच करना बताएंगे, किस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। हमारा जो आज का मेन पर्पस था वो ये था कि आपको आस्तीन का डिज़ाइन समझाना। अब हम आपको आस्तीन चढ़ाना बताते हैं। तो आस्तीन चढ़ाने के लिए दोस्तों पहले तो आप अपनी आस्तीन को मिला लें और मिलाने के बाद में 20 सेंटर में एक कट लगा लें। तो ये हमने अपना यहाँ पर एक कट लगाया हुआ है और ये आप देख रहे हैं कंधी का सेंटर। इसी तरीके से आपकी कुर्ती में भी होगा। अब हम अपनी आस्तीन को इस तरीके से उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में यहाँ पर अपने कट को
कुर्ती के सेंटर से कंधी वाले में मिलाएंगे इस तरीके से, देखिए। और मिलाने के बाद में हाफ इंच की सिलाई लेते हुए इसको अटैच करेंगे। तो जैसे हमने अपनी आधी आस्तीन ये चढ़ा दी है, ऐसे ही सेम तरीके से पूरी आस्तीन को चढ़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों, आस्तीन चढ़ाने के बाद में हमारी आस्तीन का जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आ गया है। अब हम बताएंगे इसको किस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब इसे बंद करेंगे तो कोई भी फिटिंग की सिलाई इसमें नहीं लगती है। इसको इस तरीके से बंद करेंगे और बंद करने के बाद में यहाँ से आपको, यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए, मतलब कि आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपकी जो फिटिंग की सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से, देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आस्तीन पूरी चढ़ाकर कंप्लीट कर ली है और इसके बाद हमारी आस्तीन का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। दोस्तों, अगर इसी तरीके के डिज़ाइन आपको और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.rooffashionpoint.com पर एक बार विजिट ज़रूर करें, जहाँ पर आपको हमारे सारे डिज़ाइन एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरीके के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के फोटो डालते रहते हैं, वहाँ से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर लें। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो को और हमारे इस डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।